हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किडनी शुद्ध करने के उपाय। दोस्तों, आजकल लोगों में फिटनेस को लेकर भूत सवार है। हर कोई अपनी अच्छी फिटनेस के लिए परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य लाभों के लिए धनिये का जूस एक अच्छा विकल्प है। जी हाँ, धनिये की पत्ती होती तो छोटी है, मगर इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। इसमें अनेक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों, धनिये के प्रत्येक भाग को आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसकी जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, डंठल का भी, पत्तियों का भी और बीज का भी उपयोग आप कर सकते हैं, और आप इसका उपयोग कई प्रकार के फायदों के लिए कर सकते हैं। धनिया कई तरह की बीमारियों से आपको बचाता है। इसमें एंटीसेप्टिक तत्व और वायुनाशी गुण होते हैं। दोस्तों, धनिये को हर्ब और मसाले की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। विश्व में इसकी बहुत अधिक मांग भी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता, और हर घर में ये मौजूद होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनिये के जूस से आप अपनी किडनी को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। हमारी किडनी एक बेहतर फिल्टर है, जो सालों से हमारे खून की गंदगी को साफ करने का काम करती है, मगर हर फिल्टर की तरह इसको भी साफ करने की जरूरत है, ताकि ये और भी अच्छी तरह से काम करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किडनी की सफाई धनिये के साथ कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। दोस्तों, एक मुट्ठी भर हरी पत्तियों वाला धनिया लीजिए। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अच्छी तरह से धोकर रख लें। फिर एक बर्तन में 1 लीटर पानी डालकर इन टुकड़ों को डाल लें। 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। अब इसको छान लें और ठंडा होने दें। अब इस ड्रिंक को सप्ताह में एक बार 1 गिलास खाली पेट पिएं। आप देखेंगे कि आपके पेशाब के जरिए सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, अगर धनिये के साथ आप थोड़ी सी अजवाइन भी मिला लें, तो ये सोने पे सुहागे जैसा काम करेगा। तो दोस्तों, आप भी धनिये का प्रयोग करके अपनी किडनी को फिल्टर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी धनिये का प्रयोग करके अपने लिए फायदा उठाएं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।